तुर्की में यूक्रेन का रक्षक माने जाने वाला जंगी जहाज तैयार हो गया। दो दिन पहले इस्तांबुल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी की मौजूदगी में 326 फीट लंबे इस वॉरशिप को लॉन्च किया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान जेलेंस्की की पत्नी ने ही इस जंगी जहाज को समंदर में उतारने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। तुर्की को दो जंगी जहाज यूक्रेन को सौंपने हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 से पहले उनकी सप्लाई नहीं हो पाएगी। यानी साल भर से ज्यादा वक्त है जब ये वॉरशिप यूक्रेन की सेना में शामिल हो पाएंगे। ऐसे में रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की के लिए इंतजार की घड़ी बढ़ गई, क्योंकि अगर ये जंगी जहाज युद्ध के बीच यूक्रेन की फौज का हिस्सा बन जाते हैं तो उसे रूस के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार मिल सकता है, क्योंकि ये वॉरशिप समुद्र में तेज रफ्तार में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, जो कि जंग के दौरान यूक्रेन को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि इस वॉरशिप के लिए तुर्की और यूक्रेन के बीच 2020 में $256 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 2000 करोड़ की डील हुई थी, यानी जंग शुरू होने से पहले। वैसे तब भी इस समझौते की वजह रूस ही था, क्योंकि साल 2018 में अजोव सागर में रूस ने यूक्रेन के 3 जंगी जहाजों को पकड़ लिया था। इसलिए उस समय ये तय किया गया था कि वॉरशिप में एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सेंसर लगाए जाएंगे, साथ ही उसमें 8 एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने की खबर भी सामने आई। बताया जा रहा है कि ये जंगी जहाज जमीन से हवा में मार करने वाली 21 मिसाइल से भी लैस है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस वॉरशिप की वजह से काला सागर और अजोव सागर में यूक्रेन की नौसेना को मजबूती मिलेगी। जानकारों का मानना तो यह है कि अगर तुर्की दोनों जंगी जहाजों को यूक्रेन को वक्त पर दे भी देता है तो मुश्किल यह है कि यूक्रेन में इस वॉरशिप के रखरखाव के लिए कोई खास जगह नहीं है, क्योंकि रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के हालात काफी खराब है। फिलहाल हथियार बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां निकोलेव में हैं, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, क्योंकि रूस की सेना लगातार उन पर मिसाइलें दाग रही है। ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन की मदद से इस इलाके में रूस ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, जिसके कारण यूक्रेन के इस शहर में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चारों तरफ से केवल तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं।